अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस गांव में रहते हैं कुछ भत्तापुर यानी के बसीरपुर गांव, मंडी अहमदाबाद में, और लोग इनसे डरते हैं। खौफ की अलामत, दहशत की अलामत इन लोगों को समझा जाता है। ये चार पांच भाई हैं और चारों पांचों मिलकर लोगों से भत्ता वसूल करते हैं। जो शख्स भत्ता देने से इनकार करता है उसके बच्चों को उठा लिया जाता है, डेरे पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर उन बच्चों से घर वालों को कॉल करवाई जाती है कि पैसे दोगे या फिर इसको जान से मार डालें। अहले इलाका, अहले मोहल्ला और गांव वाले, मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे आसपास जो गांव वाले खड़े हैं इन सबको दिखाएं कि ये रो रो के इस शख्स के मुतल्लिक क्यों कह रहे हैं कि हमारी जान छुड़वा दें। कुछ जिम्मेदार तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम जमीनें बेच के यहाँ से चले जाते हैं, इन्होंने हमारे नाक में दम कर रखा है, तारों के साथ बांधते हैं, तारों से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मोटरसाइकिल की चेन के जरिए से मारा पीटा जाता है, डंडों के जरिए से मारा पीटा जाता है, लहू लहान किया जाता है, और ये कहा जाता है कि भत्ता दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। लोग आखिर इनसे इतना डरते क्यों हैं? पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं करते और फेस क्यों नहीं करते? ये सब आपको दिखाते हैं। क्या थाने में खड़े होकर क्या धमकी लगाता है ये? उन्हें क्या जी, मैं हूं तेरी वरी है, क्योंकि उन्होंने मारे हूं तेरी वरी, तेरी मलता भरनी है। असी इन्ने परेशान सा भी या आदे आप इतो जगह बेच के निकल जाइए या आदे आप नु कुछ शय मार के ते दफा हो जाइए। क्यों रोना नहीं है तुसी ते इन्ना खुल के दसना है? इन्ना परेशान इन्ना सानू कीता असी, भत्ता मंगदा है जी 50,000 रुपया असी दिता भी है, जे नहीं देने ते बच्चे जांदे ने साडी उधर ही राह, सानू ओ एक ही राह लगदा सी साडे बच्चियां नु इन्ना जी मार मारते ते धो कंस ते अदर कर करते ते उन्हां नु कुट कुट ते डेरे ते लै आंदा ने। तो मारते पीटते भी है? हां जी मारते पीटते ने, फिर बदमाशी करते दसदे मेनू इतने पैसे दे रहे हो ते फिर शेरे तोडे नाल इतनी बढ़ लाने। कितने लोग हैं ये मिलके जो काम करते हैं? इतने जी 6-7 लोग हैं। सिर्फ जिम्मेदारों को तंग करते हैं कि दुकानदारों को भी तंग करते हैं? दुकानदारों ने भी सारे को बत्ता लेंदे ने। अच्छा, सारे को बंदा डरता बोलता ही कोनी। ओए होए होए होए, जब ये लोग आते हैं उठाने के लिए तो क्या पिस्टल विस्टल होती है पास? पिस्टल भी, राइफलां भी, इनको सारा कुछ गड्डी चल रहा है, चैन नहीं मोटरसाइकिल होती पीछे। हां उन्होंने पीछे ने दस्ती लाई, मोटर लाई भी लकड़ की। ओए होए होए, शदत कर देनी। लेकिन एक बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने ये कहा कि मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं छोड़ के चला जावां या अपने आप नूं फेर मार लवां या पन्नी के ने के बच्चे ने उन्होंने देखते तो उन्होंने मुंह देखते थे, मैं सबर की थी फिरना, नहीं तो मैं शायद ये इतना कुछ मैं कर लेता। इस कदर मजबूर हो गए इतना तक इतनी बिजनेस इलाके च जेड़ी इतना बिजनेस सानू कर छड़े। मेरे साथ मौजूद है मुदई मुकद्दमा। मुदई हमेशा तब बनता है जब वो जुल्म सह सह के थक जाता है और ये सोचता है कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए और अपना मसला बताना चाहिए। पुलिस उस पर काटती है एक एप्लीकेशन और FIR और उसका कंप्लेनेंट को कहा जाता है मुदई। अब क्या मामला हुआ इनके साथ, क्या कहानी है, ये हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? खालिद नवाज। वालेकुम अस्सलाम खालिद नवाज साहब, क्या हाल है? ठीक है, आप ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। क्या करते हैं आप? आप जिम्मेदारा करते हैं? जिम्मेदारा कर दे हो पहली शली ते वाई बीजी दा काम कर दे हो? की आजकल की फसल है? आजकल मुंजी है, बहुत मुंजी है। हाँ जी ठीक है, खैर कम शम हो गया सारा? नहीं जी, अजे तो मुंजी तैयार नहीं हुई। हाले मुंजी तैयार नहीं हुई? हाँ जी ठीक हो गया। की मसला बने है थाने पहुंचे हो? मसला जी ये बास हैगा है, वट्टू है जी। अच्छा, मल्ला बलोचा वाले दा ए जी बहुत परेशान है ना सानू कीता वासी 6 महीनों तो असी इन्ने परेशान सा भी या आदे आप इतो जगह बेच के निकल जाइए या आदे आप नु कुछ शय मार के ते दफा हो जाइए। क्यों रोना नहीं है तुसी ते इन्ना इन्ना परेशान है ना सानू कीता असी, भत्ता मंगदा है जी 50,000 रुपया असी दिता भी है, जे नहीं देने तो बच्चे जाते हैं साड़ी उधर ही राह, सानू वो एक ही राह लगता सी साडे बच्चियां नू इन्ना जी मार मारते ते धो कंस ते अदर कर करते ते उन्हां कुट कुट ते डेरे ते लै आंदा ने। किते डेरे ते? आधे डेरे ते। अपना डेरा भी बनाया है? हां जी आधा डेरा भी उत्थे गाने अब्बास ने। हां जी अब्बास वट्टू। हां जी उन नाल भरा है बलाल, चार बंदे नाल और सी। अच्छा फिर उस बाद ना जी मैनू फोन करवाया ने मेरे बेटे तो, ओए होए होए, ये आधे पियो नू कह भी 4.5 लाख रुपया बाकी दा लै आवे ते तैन लै जावे। ठीक है असी बच्चियां बंदियां बुंदियां नू लै के गए। बेटे दा की नाम है? सनाउल्ला जी। किन्ना जी है उम्र? किन्नी है उम्र? है 26-27 साल जी। शादी? ओए माशाल्लाह, शादी शुदा है, दो बच्चे ने उंदे कोल भी। ओनु राह जांदे तो फड़े आए ने? राह जांदे तो जी अगो राह रोकया होया ने, चार दो बंदे ते तीन एक पासे सन, तीन एक पासे सन, मोटरसाइकलां दे चैन असला असले दे जोर नाल ओनु जी लैंदा ने। मारिया? फिर मारिया भी ने, शद्दत भी कीता ने बहुत ज्यादा जी। अच्छा फिर
बेटे ने फिर फोन किया, बेटे ने फोन किया, फिर असि बंदे बुंदे लेके गए हैं, फिर वैदा वा माफी करा करू के थे असि जनाब असि उन्होंने कदी माफी भी आ कि जड़ा ना बच्चा ना जड़ा ना भी ओनु आके मोड़ दन देने पैसे के बच्चा छाड़ दे, कि बच्चा छाड़ दो असि आते जी थाने आ गए। बच्चा नहीं छड़िया ने? बच्चा छड़ा लिया सी। पैसे देते सी? नहीं जी, बच्चो 50,000 रुपया दिता सो ते ऐसे चोद कोल मन्या भी सो। ठीक है, 50,000 रुपया दिता सी ओ ऐसे चोद कोल मन्या सो, बाकी दा टाइम टूम लै के ते सी। ओए होए होए बहुत निकल आया जी असि। फिर उस हटते ना जी असि आए इत्थे, साडे ना इन्होंने माशाल्लाह बड़ी सपोर्ट की थी, SP साहब ने भी, SHO साहब ने भी, नजीर ने भी, साकी साहब ने भी सारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी जी। असी माड़े बंदे असी लड़ तो सकते नहीं सी उन्दे नाल, है गल है। 50,000 रुपया जो आपने दे दिया था वो SHO दे मुकुल मन्या सो, मान गया है, मन्या सो। और ये ऐसे ही करता है सब ऐसे? सारे शहर बहुत परेशान है जी, ना दो तीन भरावां तो जी बहुत परेशान है, बदमाश जी, पता सार बंदे को लैंदे ने, बंदे डरदे बोलदे ही नहीं पए जी। सुबह राती जांदे ने किते तेरा वल्ले दा नाले करवांदे ने गड्डी ते, क्या सुबह राती जांदे ने शाम ले ते सजाना ले आंदे ने, ओए होए होए सारी रात ही काम, सारी रात पता नहीं की करदे ने जी। ओए होए होए जैसी पहली ठेके ते लईए सानू इना पहली नहीं वाउन दित्ती, साडे ट्रैक्टरां नू अग लांदा सी, फायर मारदा सी ट्रैक्टरां नू जी, बड़ा कुछ करदे ने, नशा बेचदे ने, पता नहीं की करदे ने जी, बड़ा कुछ करदे। हां जी, शहर तक डरदा ना ही नहीं लैंदा, असीं आ माड़े बंदे असीं तां बोले ते साडी अल्लाह ने जी सुनी है। हां जी, और वो लोग जिन्होंने बता दिया है जरा आ जाए मेरे पास, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी कि मामला क्या। इस साइड से आई जी, आ जाए आ जाए, दसो तुसी, दसो रो, दसो दसो ताकि लोगों को पता लगे। थाने दे विच आया सी, पढ़ाया इन्हां नूं थाने दे विच आए, थाने दे विच उन्हें कहा जी अगेन दी वरी आ गई, हुण तेरी वरी आ गई। आपको कहता है जी? आपको कौन कहता है? पूरे थाने दे विच बासी वटू ते बिलाल ने, अब्बास और बिलाल ने क्या कहा? अब्बास और बिलाल ने कहा जी हुण तेरी वरी आ गई, उसकी आई है हुण तेरी वरी आ गई, पूरे थाने तो पूछ लो। उन्हें कहा जी हुण तेरी वरी आ गई, पूरे शहर को पता नहीं लिया। असी शराफत दे मारे पैसे भी दिते नहीं कदने, भाई ने पैसे दिते नहीं, असी उन्हें बावजूद मिंट कीती भी यार सर नूं माफ कर दे, लेकिन उन्हें आखिया माफी नहीं, उन्हें 5 लाख मैं लैना है तां तुहानूं माफी मिल सकदी, नहीं तां माफी मिल सी। अच्छा, बच्चे नूं उन्हें शहादत कीता आदे डेरे ते लै गया, उस तों बाद उन्हें आखिया जी मैं नहीं हैगा सां भाई, है किसी ने आखिया जी मैं तुहानूं देना, मैनूं कोई टाइम दे दिओ, पैसे मेरे कोल नहीं हैगे, जाहिर है इन्हें टाइम लिया, उस तों बाद उन्हें फिर शहादत कीता बच्चे ते, बच्चे ते शहादत कीता फिर लै गया, फिर भाई ने कहा ले गया उठे अपने डेरे पर वापस ले गया। हां जी वाह, बुगा कर के ले गया, फिर बंदे गए ने भाई नहीं अगर फिर उन्होंने छड़ाया नहीं जी पैसे देने हैं। ओए है लामा तो बुरियों ने साडे नाल नहीं, बहुत जातियां ने सर, साडे नु साह मिले जावे, DPO साहब, DIG साहब, ए साडे ते शिकवत करो, साडे नाल बहुत जातियां होईयां ने जी, ए साडी रिक्वेस्ट हैगी जी। क्या थाने में खड़े होके क्या धमकी लगाता है ये? उन्हें कहा जी मैं हूं तेरी वरी है, क्योंकि उन्होंने मैं मारे है, हूं तेरी वरी, तेरी मलता पड़नी है। ओहो, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का? मैसेज साहब ने क्या है दसया तुसी? फिर DSP साहब ने दसया, सारे ने दसया, उन्हें कि इंशाल्लाह तेरे नाल पूरा साथ देवांगे, पूरा तोडे नाल चलांगे, जिन्ना साडे कोल आए सी उन्ना तोडे नाल तफस देवांगे, उन्हां दी बहुत मेहरबानी है, वो सानू तफस दे भी रहे ने। ठीक है, आप यहां कब से रहते हैं? मैं मंडी अहमदाबाद से, पर नाल जंग गांव है। कब से रहते? कब से? मैं बचपन से ही उधर, बचपन से। हां जी, कब से इसका नाम सुना है ये अब्बास का और बिलाल का? 2 साल तो कह रहे हैं, 2 साल से यही काम है इनका, 2 साल तो इस काम, और भी लोगों को तंग करते हैं, बड़े पूरे शहर तो पूछोगे, पूरा शहर तुम्हें दसेगा भी वाकई ये लेना है जी, चुप करके बिजत भी ना हो अंदर खाने पैसे भी दे दिए, लोग अंदर खाने दे देने चुप करके, लेकिन असि अपने बच्चे पालिए कि असू दे DPO साहब का DI साहब शुक्रिया अदा करने, पूरा तावन किया करते पे ने जी।
कितने लोग हैं ये मिलके जो काम करते हैं? जी 6-7 लोग हैं। क्या क्या नाम है पता आपको? नहीं इन्हें तीन भरावान का पता है। क्या नाम है? बिलाल, एक अब्बास, दूसरे एक खालिद रिवाज। लोग इस गल तो डरने, लेकिन असि इस चीज से सारा करके असि दे बावजूद दे रहे हैं जी। डरदियां डरदियां जी 6 महीने असि कट लेना है। दूसरे महीने दी गल जे जी, तुसी हुन 10वां महीना चढ़न वाला हो गया। ठीक है, लो जी असि एडे परेशान से जी। बिल्कुल, सिर्फ जिम्मेदारों को तंग करते हैं कि दुकानदारों को भी तंग करते हैं? दुकानदारों ने भी सारा कुल बत्ता लेंदे ने। अच्छा, दस्ती लाई मुठ लाई भी लकड़ कर दे। बहुत ज्यादा कर दे मेरे बेटे। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपने देखा जिनको इन्होंने मारा हो या पता लगा हो? जी आजम हैगा जी, इथे टेंट सर्विस बेचारा शरीफ आदमी, वो भी साडे तरह, उन्नू भी एवं जी स्टेडियम च मैच सी। अच्छा, उथे अपड़े ने उन्नू जी 1500 बंदा सी जी, उन्नू भी बेचारे नु बड़ा मारया ने एवं। फिर पैरां उन्हां दे उत्ते कीती ने सारे बंदां दे उत्ते जी, फिर उन्हां उठा के ले गए वहां से। नहीं उठा नु जी, आदम बहुत ही बिठाया नहीं, फायरिंग की थी वही पे। हां जी, इतनी फायरिंग की थी, अखीर वाली गल है, फायरिंग की थी है, लेकिन उस बाद भज गए। ठीक है, करके उन्हें चाटा मारी ना जी। उस स्टेज पे बैठे सी ना, वो करांदे पे स्टेज अपना मैच। अच्छा, ओदे विच उन्हें जाते स्टेज ते गया है, उथे ओदे चाटा मारियां सुन, वाहवा मार मूर के दो बंदे बाहरों फायरिंग की थी सी, जेडे नाल साइडां दे बंदे हैगे सी ना, ओह तो भज गए। अंदर गए ना बस, साइडां पर ਰੈਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕੀ ਹੋਏ ਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਥੇ? ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ 10 ਅਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਪਕਾ? ਆਪਕਾ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲੱਭਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਪ ਮੁਦਈ ਮੁਕਦਮਾ ਬਣੇ ਹੈ, ਆਪ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਨਕਾ ਬੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਲ ਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਬਲਾਲ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜੀ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੋਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾ ਕਾਲ ਤੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੜ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਦਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਐਸੇ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਦੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। सारे का सारा शहर जो है वो सुख में हो जाए, जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन एक बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने ये कहा कि मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं छोड़ के चला जावां या अपने आप नूं फेर मार लवां या पन्नी कहने के बच्चे ने उन्होंने वेखते तो उन्होंने मुंह नूं वेखते थे, मैं सबर की फिर ना, नहीं तो मैं शायद जी इन्ना कुछ मैं कर लैंदा। इस कदर मजबूर हो गए इन्ना तक इन्नी इज्जत इलाके च जिहड़ी इन्ना बिजनेस सानूं कर छड्डिया। उन मुल्ज़िमान से आपकी बात करवाते हैं। कुरान दे दें कि मैंने किसी को हाथ लगाया या किसी को बिठा, किसने लगाया फिर हाथ? वो बाहर लड़ाई पड़ी हुई थी तो भाई ने छुड़ाया जरूर है इसने, मैं तो उधर मौजूद ही नहीं था जी। अब आप नशा करते हो? नहीं जी।
तुम्हारी आवाज बता रही है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, तुम्हारा मुंह बता रहा है, तुम कह रहे हो मैं नशा नहीं करता, तुम सप्लाई भी करते हो। साढ़े छह महीने पहले आलवा का कोई रोला सी, पंचायत हुई 5 लाख रुपया, उन्होंने पंचायत आलिया ने खालद कलिए बाजता भी तू इन 5 लाख रुपया देने। 6 महीनों च इन्हें मैंने 50,000 रुपया दिता है, फिर 2-3 परी मेरे भुवे तो लै मैं अज देना परसों देना ये वो। कितने पर्चे हैं टोटल? 6-7 पर्चे ये लड़ाई के बस, और किसी चीज का 6-7 पर्चे हैं और 6 के 6 और 7 जो हैं वो लड़ाई झगड़े के हैं। हाँ जी बदमाश हैं आप लोग? नहीं जी, हमारा जमीन का मसला था इधर। हाँ। सामने रेलवे पे जिम्मेदारों पे पर्चे तो नहीं होते? आपके ऊपर ही क्यों पर्चे हैं? वो हमारा साहब अभी 2 दिन हुए आए को, तुम्हें ये भी पंचायत कर रहे हैं। जब आदमी हवालात में बैठा होता है तो सिस्टर उसको पता चल जाता है ना अभी कौन सा एस एच ओ आया है, कौन सा गया है। कैमरा लगाया हुआ तुमने एस एच ओ के कमरे में? नहीं जी। क्या बयान दे रहे हो तुम कि मुझे पता है 2 दिन हुए एस एच ओ आया और 2 दिन हुए, किस किस्म की बदमाशी है? मेरे से बहस ना करो। हम आपके साथ कैसे बहस? आप कर रहे हैं लगातार मेरे से बहस। ओ भाई आप तो थाने में मान नहीं हो, बाहर ने किसने आपके ऊपर कब्जा कर लिया? नहीं आंखें नीचे मेरा। तुम्हारी टोन यहाँ पे भी बड़ी खराब है। नहीं मेरा। बहुत खराब है तुम्हारी टोन। तुम इश्तिहारी भी हो और तुम कह रहे हो झगड़े कोई नहीं? जी इश्तिहारी तो झगड़े कोई नहीं, बल्डे लोल्डे मेरा थाने पर्चे की हाज देने का देने थाने आमन जामन है, मैं इश्तिहारी हूं। मैं तो सगले में 7 पर्चे का देने सिस्टर, किस चीज के हैं 7 पर्चे? ये छोटी मोटी गांव में लड़ाई हो जाती है। छोटी मोटी गांव में लड़ाई मतलब 7 पर्चे? तुम्हारे नजदीक कोई पर्चा नहीं है? ये लड़ाई के पर्चे जी, और किस चीज के पर्चे? ना तो मेरे पे असले का कोई पर्चा है। बदमाशी क्यों करते हो? कोई बदमाशी नहीं करते। तो फिर क्यों पर्चे हो गए 7 तुम्हारे पे और फिर भी तुम अकड़ के जवाब दे रहे हो पुलिस की मौजूदगी में? ना ये पंचायत का लो, तेंज कर लो, तेंज कर लो। साहब अभी 2 दिन हुए आए को, तुम्हें ये भी एक पंचायत कर रहे हैं सचो कब चेंज होता है कब नहीं होता, तुम्हें ये भी पता है? जब आदमी हवालात में बैठा होता है तो सिस्टर उसको पता चल जाता है ना अभी कौन सा सचो आया है, कौन सा गया है। कैमरा लगाया हुआ तुमने सचो के कमरे में? नहीं जी। क्या बयान दे रहे हो तुम कि मुझे पता है 2 दिन हुए सचो आया और 2 दिन हुए, किस किस्म की बदमाशी है? मेरे से बहस ना करो। हम आपके साथ कैसे बहस? आप कर रहे हैं लगातार मेरे से बहस। ओ भाई आप तो थाने में मान नहीं हो, बाहर ने किसने आपके ऊपर कब्जा कर लिया? नहीं आंखें नीचे मेरा। तुम्हारी टोन यहाँ पे भी बड़ी खराब है। नहीं मेरा। बहुत खराब है तुम्हारी टोन। तुम इश्तिहारी भी हो और तुम कह रहे हो झगड़े कोई नहीं? जी इश्तिहारी तो मैं झगड़े कोई नहीं, बल्डे लोल्डे मेरा थाने पर्चे की हाज देने का देने थाने आमन जामन है, मैं इश्तिहारी हूं। मैं तो सगले में 7 पर्चे का देने सिस्टर, किस चीज के हैं 7 पर्चे? ये छोटी मोटी गांव में लड़ाई हो जाती है। छोटी मोटी गांव में लड़ाई मतलब 7 पर्चे? तुम्हारे नजदीक कोई पर्चा नहीं है? ये लड़ाई के पर्चे जी, और क्यों किस चीज लड़ाई के, के पर्चे? ना तो मेरे पे असले का कोई पर्चा है। बदमाशी क्यों करते हो? कोई बदमाशी नहीं करते। तो फिर क्यों पर्चे हो गए 7 तुम्हारे पे और फिर भी तुम अकड़ के जवाब दे रहे हो पुलिस की मौजूदगी में? ना पंचायत का लो, तेंज कर लो, तेंज कर लो। मुलजमान हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, क्या तफसीलात हैं, ये क्या करते हैं, क्या मामला है और अपनी जबान से क्या कहानी सुनाते हैं वो हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? बिलाल। बिलाल, बिलाल क्या करते हो? जमींदार। और क्या करते हो? और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं करते? कुछ भी नहीं। यहाँ पे हथकड़ी लग गई है, क्या मामला है? मैं तो थाड़ो आया, जमीन ले हुई ठेके से। आवाज में बात करो। जमीन ठेके से ले हुई थाड़ो आया 10:30 बजे। अच्छा। 11 बजे पुलिस ने डेरे तो मैं बैठा सा, भाई भी आया उस टाइम और दूसरा। हाँ। वो आया ते उन्हें मैं आया बैठा सा ते वो पानी ला के लंघ जाता थी परा खूह नूं ते वो भी मेरे को बह गया। कौन? वो परला सरफराज। ठीक है। ते पुलिस गई है ते सानू उत्थों लै के आ गई। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। कुछ तो किया होगा। कुछ भी नहीं। हथकड़ी ऐसे ही तो नहीं लग जाती ना, कुछ तो किया होगा। भाई पर पर्चा था तो इसलिए हमें किस चीज का पर्चा था? भाई इधर थाने आया तो उसको एस एच ओ साहब ने बैठा लिया, बाद में पर्चा दे दिया, पता नहीं किस चीज। ये नहीं पता किस चीज का पर्चा था? हमें तो अभी नहीं पता चला। क्या करते हो तुम? जिम्मेदार। इसके अलावा क्या करते हो? लोग तुमसे डरते क्यों हैं? कोई भी नहीं डरता हम। कोई भी नहीं डरता? लोगों ने मुझे खड़े होकर रो रो के कहानियां सुनाई है।
क्यों डरते हैं लोग तुमसे? किसने कहानी सुनाई? किसने कहानी सुनाई है? तुमने बाहर जाके उसको पकड़ना है? हमसे तो कोई भी नहीं डरता। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप क्या काम करते हैं? जिम्मेदारा। इसके अलावा? कुछ भी नहीं। मंशियात सप्लाई करते हो? नहीं। बता लेते हो? कुछ भी नहीं करते। लोगों को धमकाते हो? लोगों के बच्चों को उठा के उन पर तशद्दुद करते हो? डेरे पर ले जाते हो? उनको बांधते हो? जब कोई पैसे देने कहता है कि हमने नहीं देने, तो उसको आगे से फोन करके धमकियां लगाते हो? इस गल दे न्या दे दे मन भी असी उन्हां दे बच्चे चाहे ने या किसी नूं डेरे ते लैंदा है ते असी सजा वास्ते तैयार हैं। अगर वो न्या दे दे मन जिहड़े गवाह है ने इस गल दे भी असी उन्हां दे कोई बच्चे चाह के लैंदे ने या असी किसी नूं मारिया किसी नूं मारिया हैगा या असी किसी कोल बत्था लिया है मेरे बच्चे को इन्होंने बांध के तशद्दुद किया है, मारा पीटा है, मुझसे भत्ता इन्होंने कहा है कि दो 4.5-5 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे को मारेंगे। क्या कहानी है वो? किसी को नहीं मारा है। क्या कहानी है? मुझे कहानी सुना दो सीधी तरह। मैं कह रहा हूँ कि उनको बुलाओ, वो न्याय दे दें। और एसएचओ साहब, क्या कहानी है? ये इन्होंने ना बंदे को पकड़ा था, उससे बाका था बत्ता, ठीक है, कि हमें पैसे दे, उसने नहीं दिए तो उसको उठा के ले गए, उसका लड़ाई झगड़ा किया। इसने भी मारा था? ये दोनों शामिल है इसमें, ये अब्बास और बिलाल। बिलाल, हाँ भाई बिलाल। बावर्दी एक अफसर बात कर रहे हैं, बावर्दी बड़ा वकार होता है वर्दी का। क्यों उसको वो न्याय दे दें कि अगर कुरान दे दें किस बात को? हाथ लगाया या किसी को बैठा? किसने लगाया फिर हाथ? वो बाहर लड़ाई पड़ी हुई थी तो भाई ने छुड़ाया जरूर है इसने, मैं तो उधर मौजूद ही नहीं था। लड़ाई वो खालिद कलिया के बेटे की और दूसरे दो तीन आदमी बाहर लड़ रहे थे डेरे से दूर, तो भाई ने छुड़ाया है। भाई ने छुड़ाया तो पहले आलुओं का कोई मसला है इनका मानने वाले जी। हाँ, हार्ट टर्मिनल से? हाँ बिल्कुल, हार्ट रिकॉर्ड याफ्त कर रहा हूँ। रिकॉर्ड याफ्त है? क्या रिकॉर्ड है इनका, जरा बता दे थोड़ा सा। इनके ऊपर है कोई 10-12 पर्चे हैं ऑलरेडी है। जी जी। किसके ऊपर? ये बिलाल के ऊपर। बिलाल पर? जी जी। अब्बास पे? अब्बास। अब्बास नाम है ना? क्यों पर्चे हुआ आपके में पहले में? जी बस ये लड़ाई लड़ी थे पर्चे हुए। क्या नाम है पूरा? पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास जी। अब्बास नशा करते हो? नहीं जी। तुम्हारी आवाज बता रही है? नहीं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है? नहीं। तुम्हारा मुंह बता रहा है? तुम कह रहे हो मैं नशा नहीं करता, तुम सप्लाई भी करते हो? नहीं जी, ना सप्लाई करने ना साडे ते मुंह देखे ना मनशाद दा कोई मसला है, सिर्फ लड़ाई पई हुई सी। मैं तो छड़ाया साडा 6 महीने पहले आलमां दा कोई रोला सी, पंचायत हुई 5 लाख रुपया उन्हें पंचायत आलिया ने खालिद कलिए ने पा दिता भी तू इन 5 लाख रुपया देने। 6 महीनों च इन्हें मैंने 50,000 रुपया दिता है, फिर 2-3 भरी मेरे भूए तो लाया मैं अज देना परसों देना ये वो। मैं तो इस मामले का पता नहीं सी, लड़ाई पई हुई सी। मैं तो सुबह सुबह घरों उठते बाहर आया वो भी शोर सुनते, मैं हाथ छड़ा दिता है ना असा बच्चा गुआ किया ना कुछ ना कह। मैनू साहब ने फोन किया है थाने आ तेरे ते दरखास्त है, मैं थाने आया, मैनू साहब ने कहा अंदर बंद कर दो बस आज गल हुई। अच्छा, और क्या बात हुई? और कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं हुई? कितनी रैफले हैं तुम्हारे पास? कोई रैफल नहीं। असला कितना है? कोई रैफल असला नहीं हमारे। एसएचओ साहब, असला होता है इनके पास? हाँ, पिस्टल था इनके पास। पिस्टल थे इनके पास, बरामद कर लिया। एफआईआर कितनी है आपके ऊपर? मेरे ऊपर कोई ये जमीन का हमारा मामला था इधर गांव में, उसमें कोई 5-6 FIR हुई है, या ये हमारा स्टेडियम में जो रांद हुई थी वो एक FIR है। कितने पर्चे हैं टोटल? 6-7 पर्चे ये लड़ाई के बस, और किसी चीज का 6-7 पर्चे हैं और 6 के 6 और 7 जो हैं वो लड़ाई झगड़े की हैं। हाँ जी, बदमाश हैं आप लोग? नहीं जी, हमारा जमीन का मसला था इधर सामने रेलवे पे। जिम्मेदारों पे पर्चे तो नहीं होते? जमीन आपके ऊपर ही क्यों पर्चे हैं? वो हमारा जमीन के कब्जे का मसला था ना। क्या मसला था? आपने कब्जा भी किया हुआ? नहीं, हमने नहीं किया, दूसरे लोगों ने किया हुआ था। अच्छा, हमारी जमीन तो हमारे ऊपर पर्चे हो। भाई आप तो थाने में मान नहीं हो, बाहर ने किसने आपके ऊपर कब्जा कर लिया? नहीं, आंखें नीचे। आप तो थाने में मान नहीं हो? नहीं जी, हम तो हम जमीन पे कब्जा कर लिया ना, तो हमने कभी किसी की जमीन पे कब्जा किया है रास्ते ना, हमने आज तक सिस्टर हमने आज तक किसी से पत्ता नहीं मांगा, किसी से पत्ता नहीं मांगा। नहीं, कोई साबित करे कि हम आपसे डरते हैं, बाजार वाले आप लोगों का नाम लेते डरते हैं,
जमींदार जो हैं जिन्होंने ठेके पे जमीनें ले रखी हैं वो आपसे डरते हैं, लोग ये कहते हैं कि हम अपनी जमीन बेच देते हैं, इन्होंने इतना नाक में दम किया है, क्या मामला है? नहीं जी, कोई ना ऐसा किसी दी आज तक जमीन हो। भाई सारा शहर तुम्हारे खिलाफ क्यों है? इधर हमारी पंचायत, एक तुम्हारी दुश्मनी हो, हमारी एक पंचायत हो जाए तो सारा का सारा पता लग जाएगा। वो जो है एक साथ, छोड़ो पुलिस खड़ी है, पुलिस से आगे क्या है? जो एक साथ ग्रुप है ना, वो सारा इकट्ठा होके आ जाता है कि ये हमारे ये कार्य के खिलाफ है, वो बताओ ना। एक आदमी खिलाफ है तो उसके जो हमैती होंगे वो तो साथ ही होंगे। क्यों खिलाफ है, किस चीज का झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं था जी, आलुओं के कारोबार। तुम्हारे ऊपर सात पर्चे भी हो गए हैं, तुम्हें हथकड़ी भी लग गई है, तुम इश्तिहारी भी हो और तुम कह रहे हो झगड़े कोई नहीं। जी इश्तिहारी तो मैं कोई नहीं, बल्डे लोल्डे मेरा थाने जी हाजते ने का देने थाने आमन जावन है, मैं इश्तिहारी हूं, मैं तो से गले में सात पर्चे का देने। सिस्टम किस चीज के हैं सात पर्चे? ये छोटी मोटी गांव में लड़ाई हो जाती है। छोटी मोटी गांव में लड़ाई मतलब सात पर्चे? तुम्हारे नजदीक कोई पर्चा नहीं है? ये लड़ाई के पर्चे जी, और किस चीज के पर्चे? ना तो मेरे पे असल का कोई पर्चा है। बदमाशी क्यों करते हो? कोई बदमाशी नहीं करते। तो फिर क्यों पर्चे हो गए साथ तुम्हारे पे, और फिर भी तुम अकड़ के जवाब दे रहे हो पुलिस की मौजूदगी में? ना तो पंचायत का लो, तेंज कर लो, तेंज कर लो। सिस्टर आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे, तो जवाब सीधा दो ना। सीधा जवाब दिया? सीधा जवाब नहीं दिया, गलत जवाब नहीं दिया, गलत जवाब दे रहे हो। जो हकीकत है वो बात बताओ, ये हकीकत क्या है? हकीकत तो सिस्टर आपने मुखालफों से सुने, हमारी भी इधर तो पंचायत हो जाए, आप इधर हमारे क्यों पंचायत लगाओ? पुलिस जो मौजूद है यहाँ पे, सारा अहमद साहब अभी अभी आए दो दिनों में, इसको आए हुए सारा अहमद साहब अभी दो दिनों में आए को, तुम्हें ये भी एक पंचायत करे जब आदमी हवालात में बैठा होता है तो सिस्टर उसको पता चल जाता है ना अभी कौन सा सच आया है, कौन सा क्या है। आप तो कह रहे हो दो दिन हुए आपको हवालात में, कितने दिन हो गए? मुझे जुमेरात का मैं हवाला। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि थाने का एसएचओ बदला गया है? तो जब सामने बैठे सिस्टर तो देख, सामने तो नहीं बैठे, हवालात तो साइड पर है। हाँ, तो इधर पता चलता है ना कौन? कहाँ पता चलता है भाई, कैमरा लगाया हुआ तुमने एसएचओ के कमरे में? नहीं जी। क्या बयान दे रहे हो तुम कि मुझे पता है दो दिन हुए एसएचओ आया और दो दिन हुए, किस किस्म की बदमाशी है ये? कोई तरीका कार है बात करने का कि एसएचओ को दो दिन लगे आए हुए, ये क्या तरीका कार है? मोटरसाइकिल की चेन के साथ हथी बांधी हुई है तुमने और उसके साथ लोगों को मारते हो तुम, तारे बनाई हुई है तुमने उससे लोगों को मारते हो तुम? ना तो हमारे पास कोई तारे हैं ना कोई चेन है, ये पुलिस हमारे डेरे पे गई है, सारा कुछ लेकर आई है, दो तीन सोटियां जो माल के लिए हमारे मुलाजमो ने बना के रखी वो ही लेके आई है, और कोई चैन लेकर आई है तो बताए हमारे सामने रखे, ठीक है? कोई ऐसे जो साहब क्या क्या कुछ लेकर आई है तो बताए। इसमें जो चीजें आए अपना एफआईआर में वो सारी चीजें इससे बरामद हुई हैं। बरामद हुई है जी जी, जो मैं बात कर रही हूँ वो चीजें बरामद हुई जी जी, बिल्कुल आगे सुन। हाँ जी जी, वो कह रहे हैं बरामद हुई है जी। हमने तो कोई चैन नहीं रखी, तुमने कोई चैन ही नहीं रखी, तुम्हारे डेरे से सारा कुछ निकली जा रहा है, तुमने कोई चैन ही नहीं रखी। हमें हमारे ये हमारे भाई को साथ पकड़ कर लाए हैं तो कोई चेन होती तो ये पकड़ के लाना था ना, जिन पे पर्चा होता है उनको पुलिस पकड़ के लाती है, तो पकड़ कर लाए डाल के नहीं लाती। तो हमने कहा ना कि पकड़ के लाए हैं, दो तीन सोटियां थी वो भी साथ लाए, और क्या लाए हैं? और कुछ भी नहीं लाए। पिस्टल्स कितनी थी वहाँ पे? कोई पिस्टल नहीं था। रास्ते में जाते हुए लोगों को रोकते हो, नाका लगाते हो और उठा लेते हो? हमने किसी को नहीं बिठाया सिस्टर, कोई एक बंदा कहे के इसलिए, एक बंदा नहीं, लोग रो रो के बयान दे रहे हैं ऐसे, तो सिस्टर कोई भी किसी का मुखालफ किसी के खिलाफ कोई नहीं बोलता, कोई भी मुखालफ कह सकता है भी रोते कह देता है भी मैं उन रोते कमा मैनू कुछ चौकते ले गया तो मेरी मान ले कौन मैं रोते कमा, मैं तुम्हारी कैसे मानू, तुम्हें तो हथकड़ी लगी है। तो जब आदमी एक अंदर है तो वो मुजरम है ना? मुजरम नहीं है, मुल्ज़िम है। मेरे से बहस ना करो, हम आपके साथ कैसे बहस आप कर रहे हैं लगातार मेरे से बहस? आप जो सवाल पूछते हमने वो सही जवाब दे, जवाब नहीं दे रहे ना मुझे सीधा सीधा। तो सिस्टर कुछ किया ही नहीं है, तो कुछ किया हो तो सिस्टर आपको बताए ना। क्या करते रहे हो, हज करते रहे हो? जिम्मेदारा करते हैं हम, और क्या करते हो? अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बहुत कुछ, हम किसी से क्यों पता मांगे? तो फिर ये बताओ कि जिम्मेदार आदमी है, जमीन है, पैसे है, सारा बता रहे हो कि मेरे ऊपर सात पर्चे जी, सारे छोटे मोटे लड़ाई के पर्चे। क्या नाम है भाई? सरफराज। सीधे होके खड़े हो? सरफराज। आवाज ऊंची। सरफराज। क्या करते हो तुम?
खेती बाड़ी का करते हैं। यहाँ पे क्यों पकड़े गए हो? मैं डेरे पानी लगा के आऊँ, डेरे बैठा बिलाल के साथ, उन लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया। कब से जानते हो बिलाल को? बाबा डेर से। बाबा डेर की नहीं, दो साल, चार साल, पाँच साल, कितने साल? साल हो गए। एक साल हो गया। की करता है बिलाल? जिम्मेदारी करता था। और क्या करता है? और कुछ भी। पर्चे वर्चे कौन से है इसके ऊपर? कोई पर्चा नहीं। कोई पर्चा नहीं है इसके ऊपर? पर्चा नहीं है? नहीं जी, एक ही है जड़ा साढ़े नाल। इसके ऊपर कोई पर्चा नहीं है? एक को आए पर्चा है। डेरे पे किस किस को लाके बांधा और मारा है? किसी को भी नहीं। मैं रात 11 बजे यहाँ पानी ला कर रेत का उतरा के बैठा हूँ, तो बस इधर साफ। डेरे पर ला कर किस किस को मारा और बांधा? किसी को भी नहीं मारा, सामने बांधा है। किसी को भी नहीं? किसी को नहीं बांधा? किस चीज से तशद्दुद करते हो? क्या चीज की? किस चीज से तशद्दुद होता है लोगों पर? पता नहीं। नहीं पता? भत्ता कौन मांगने जाता है? कोई भी नहीं। भत्ते की कॉल कौन करता है? नहीं, किसी ने भी की नहीं। किसी ने नहीं की? नहीं। तुम गारंटी दे रहे हो? मैं ये साढ़े कॉल तो किसी ने किया है। गारंटी दे रहे हो? जैसे थोड़े कॉल कोई गल होगी तो पता होगा। मैंने आपसे सवाल क्या किया है? क्या सवाल किया मैंने? क्या सवाल किया मैंने? भत्ते का है। मैंने सवाल ये किया, तुम इसकी गारंटी दे रहे हो? हाँ जी। हाँ हाँ जी। क्यों, बाप हो इसके? नहीं। क्या हो इसके? मोहल्लेदार हूँ। तो मोहल्लेदार गारंटी तो नहीं दे सकता? तुम तो इस टाइम खुद मुलजिम हो, हथकड़ी में हो। हाँ जी। तो फिर गारंटी किस चीज की? मेरे की कोई गुनाह नहीं है, मुझे वैसे पकड़ रहा है। किसका? मेरा। तुम्हारी टोन यहाँ पे भी बड़ी खराब है। नहीं मैडम। बहुत खराब है तुम्हारी टोन। नहीं खराब। अच्छा एस एच ओ साहब, जहाँ पर हम बात करते हैं अब्बास की, बिलाल की और तीसरे मुलजिम की, जी जी, तो इन तीनों का ये कहना है कि हमने कुछ नहीं किया जी जी। और हमारे ऊपर नजायज इल्जाम दूसरी पार्टी लगा रही है। दूसरी पार्टी से जब हमने गुफ्तगू की तो आपके सामने वो रो रो के बता रहे हैं कि ये हमें ऐसे ऐसे थ्रेट करते हैं, हमारे बच्चों को उठा लेते हैं, मारपीट करते हैं और कहते हैं कि भत्ता दो वरना मार देंगे जी जी। इनका बयान है कि हमने कुछ नहीं किया। आप चूंकि SHO हैं, आपको पता है कि हकीकत क्या है, आपने तहकीक भी की, जाहिर है इन्वेस्टिगेशन की, गश्त भी की आपने जी जी। तो क्या कहानी है, मुझे जरा मुख्तसर सुना दें। मुख्तसर ये है कि जो शहर के लोग हैं, जो इधर आपके पास आए, इंटरव्यू भी दिए हैं, बिल्कुल उनका जो मौकफ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। इन्होंने जो कुआ किया उसकी FIR दर्ज हुई है और बामुताबिक FIR ये दुरुस्त गुनाहगार है, वसूल किया, इंशाल्लाह इनसे भत्ता भी वसूल करेंगे और चैन जो दूसरा सामान पिस्टल वगैरह हर चीज़ इंशाल्लाह रिकवर करेंगे इनसे। रिकवर करेंगे ऐसे जो सब इनसे 50,000 रुपया जो इसने लिया है जी, ये आपके सामने माने जी जी, वो रिकवरी होगी। अभी भी इसने कहा 50,000 लिया मैंने, उन्हें मुझे दी जी जी, वो इंशाल्लाह रिकवर करेंगे जी। मुदाई क्या पूरा शहर इनसे डरता है जी? लोग जो है ना वो इनके सामने तो नहीं आते, लेकिन हमें आके उन्होंने बताया, मुख्तलिफ लोगों ने आके बताया कि ये हमें डराते धमकाते हैं, पत्ता वसूल करते हैं। मंशियात की सप्लाई भी करते हैं ये? नहीं, मंशियात में नहीं, पत्ते में, पत्ता को सिर्फ पत्ते में जी, ठीक है जी। डराना धमकाना दहशत फैलाना जी। सबको ये कॉल भी है जिसमें ये लोग धमकी दे रहे हैं और वो कॉल रिकॉर्ड जो है वो भी आपको जी बिल्कुल दी गई, ठीक है। मेरे करियर का एक ये डिफरेंट सा प्रोग्राम है, भत्ताखोर कैसे बनता है। भत्ताखोर पहले दिन तो नहीं बनता, यह सोसाइटी बनाती है, दोस्त बनाते हैं, हालात व वाकयात बनाते हैं, या फिर पहली गलती पर मना नहीं किया जाता, हलाशेरी दी जाती है, फिर उससे बड़ी गलती करते हैं। अभी रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है तो गश्त के दौरान शहर में काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की है कि 3-4 भाई हैं और शहर में दहशत और खौफ की अलामत बने हुए हैं और लोगों से बजरिया कॉल रात में कहा कि उनसे भत्ता वसूल करते हैं। तो हमने एक टीम तश्कील दी और इनको काबू किया। पहले तो लोग जो है इनका नाम नहीं लेते थे, डरते थे इनसे। अच्छा। बताएंगे तो खामोशी से दे देते। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का दौर है तो हमें पता चला है कि इन्होंने शहर में खौफ खराज फैलाया और लोगों से भत्ता वसूल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ये बताइए कि आपके पास कंप्लेन ज्यादातर किन लोगों की आई है? कोई भट्टे शट्टे वालों की, कोई दुकानदारों की कंप्लेंट है हमारे पास शहर की, उस पर हमने कार्रवाई की। क्या कंप्लेन करते थे आगे? कंप्लेंट उन्होंने ये की है कि ये पहले दिन से हमारे कारोबार भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और आए दिन हमें कॉल्स करके हमसे पैसे वसूल करते, उतने हम कमा नहीं रहे जितने हम इनको दे रहे थे। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है, क्या कहता है जी? इनके ऊपर 7 से 8 FIR हैं ऑलरेडी, पहले भी रिकॉर्ड इनका मौजूद है। ये असल में अवेयरनेस नहीं है ना, ये बॉर्डर एरिया है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो बेचारे बस टेलीफोन कोई करे उसको, हाँ जी
साईं जी ले लो, पैसे दे देते हैं इनको, ठीक है। हाँ, तो बात भी नहीं करते कोई किसी से, ठीक है। ये तो दो चार शरीफ आदमी, इन्होंने बात की, हमारे अफसर ने बस बात की, उन्होंने कही ये ले रहे हैं। हमने कहा दो दिन में इंशाल्लाह पकड़ेंगे इनको, क्यों नहीं पकड़ना। ऐसे जो मेरे रात को इनके रेट किया है, दोनों को पकड़ के अंदर सलाहों के पीछे बंद किया, आज इनकी गिरफ्तारी डाल के इनका रिमांड लिया गया है। अभी रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है, तो गश्त के दौरान शहर में काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की है कि तीन चार भाई हैं और शहर में दहशत और खौफ की अलामत बने हुए हैं, और लोगों से बजरिया कॉल रात में पा के उससे पत्ता वसूल कर। पहले तो वो लोग जो है इनका नाम नहीं लेते थे, डरते थे इनसे, अच्छा बताएंगे तो गोशी से दे देते। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का दौर है तो हमें पता चला है कि इन्होंने शहर में खौफ और आतंक फैलाया और लोगों से पत्ता वसूल कर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है, क्या कहता है जी? इनके ऊपर 7 से 8 FIRs हैं ऑलरेडी, पहले भी रिकॉर्ड इनका मौजूद है। असल में अवेयरनेस नहीं है ना, ये बॉर्डर एरिया है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है। वो बेचारे बस टेलीफोन कोई करे उसको, हाँ जी साईं जी ले लो, पैसे दे देते हैं, ठीक है। हाँ, तो बात भी नहीं करते कोई किसी से। मंडी अहमदाबाद के SHO साहब हैं मोहम्मद अहमद चिश्ती साहब, इस टाइम मौजूद हैं जनाब हमारे साथ। इस केस के हवाले से हम डिटेल से इनसे बात करते हैं। वक्त जदीद आ चुका है, हालात बदल चुके हैं, माशरा संभल चुका है, लेकिन इसके बावजूद जब हम देखते हैं गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया और गांव गांव, तो वहाँ पर अब भी भत्ता लिया जाता है, भत्ता हो जो है वो बड़े सरगर्म दिखाई देते हैं। ये क्या मामला है? पर्चे इन पर होते हैं, जेल ये जाते हैं, कुछ अरसा जेल काटते हैं, फिर बाहर आते हैं और फिर आम शहरियों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। हर वो दुकानदार, हर वो गाँव का शख्स जो थोड़ा पैसों में तगड़ा होता है या जिसकी जेब भारी होती है, उसी को क्यों डराते हैं? और क्या इनकी पुष्ट पराही करने वाले इतने ताकतवर हैं कि पुलिस के आगे भी ये डट जाते हैं? लेकिन पुलिस आखिरकार इनको फिर सुलाखों के पीछे ले ही आती है, तो फिर बाहर कैसे आ जाते हैं? इन डिटेल्स हम आज जानेंगे SHO साहब से। SHO साहब ने गश्त के दौरान और मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान इनको पकड़ा है। मेरे करियर का एक ये डिफरेंट सा प्रोग्राम है, भत्ताखोर कैसे बनता है? भत्ताखोर पहले दिन तो नहीं बनता, क्या सोसाइटी बनाती है, दोस्त बनाते हैं, हालात वाकियात बनाते हैं, या फिर पहली गलती पर मना नहीं किया जाता, हलाशेरी दी जाती है, फिर उससे बड़ी गलती करते हैं, रीजन क्या है? ये हम अहमद साहब से डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अहमद साहब। कत्लो गारत, डकैती, ज़िना बिल जबर या जबरदस्ती या बिल रजा, इसके अलावा जमीनों के मामलात, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, माँ ने बाप को कत्ल कर दिया, ये सब तो हम देखते आ रहे हैं। भत्ताखोरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें किसी को किसी से पर्सनल ग्रज नहीं होता, लेकिन शहरी बहुत खौफजदा होते हैं। क्या मामला है, कितने लोग पकड़े हैं, कैसे पकड़े हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें ये बात है कि अभी रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है, तो गश्त के दौरान शहर में काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की है कि तीन चार भाई हैं और शहर में दहशत और खौफ की अलामत बने हुए हैं, और लोगों से बजरिया कॉल रात में का के उनसे भत्ता वसूल करते हैं। तो हमने एक टीम तश्कील दी और इनको काबू किया। इनमें एक का नाम अब्बास है, दोनों भाई हैं, और एक का नाम बिलाल है। और एक का नाम बिलाल, ठीक है। अब्बास और बिलाल वालद दस्तार, कौम इनकी बट्टू कास्ट है। सगे भाई है? जी सगे भाई है, चार पांच भाई हैं, काफ़ी अरसे से यही काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खौफ की अलामत थी, इनको हमने गिरफ्तार किया और पाबंदे सलासल किया, हवालात में बंद किया, और इनसे इंशाल्लाह ताला जो है वो भत्ता भी जो लिया है वो भी रिकवर कर रहे हैं, तो तफ्तीश अभी जा रही है। ठीक है, मुझे ये बताइए अहमद साहब के टोटल कितने भाई हैं? ये चार या पांच? जी चार भाई। चार भाई हैं, चारों के ही काम करते हैं? नहीं, दो ये काम करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है, और एक दो उनके दोस्त हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। बाकी दो ये काम नहीं करते? नहीं नहीं, बाकी नहीं करते। नहीं करते? नहीं करते। अच्छा ठीक है। इनका फैमिली बैकग्राउंड, आप मिले इनके पेरेंट्स से, क्या फैमिली बैकग्राउंड है इनका? बेसिकली ये देहाती लोग हैं, जो कि ये आपको भी पता है कि ज़्यादा जो एरिया है बॉर्डर एरिया मंडी अहमदाबाद का, तो इतना लोगों में इनमें शोर नहीं है, तो इसी वजह से शुरू से इस काम में मुलव्वस है।
पहले तो लोग जो है इनका नाम नहीं लेते थे, डरते थे इनसे। अच्छा। बताएंगे तो खामोशी से दे देते। अलहमदिल्ला मीडिया का दौर है तो हमें पता चला है कि इन्होंने शहर में खौफ और आस फैलाया और लोगों से भत्ता वसूल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कहाँ से आपने इनको गिरफ्तार किया है? जी, ये इनका गाँव है बलोचावाला। गाँव का नाम है बलोचावाला। अच्छा जी, वहाँ से गिरफ्तार किया। वहाँ से गिरफ्तार किया हाँ, रात के अंधेरे में, और शहर के ये बिल्कुल करीब ही है गांव। ठीक है। दोनों भाई वहाँ पर थे? जी, दोनों भाई वहाँ से रेस्ट किए। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास कंप्लेन ज्यादातर किन लोगों की आई है? कोई भट्टे शट्टे वालों की, कोई दुकानदारों की? नहीं, ज्यादातर दुकानदारों की कंप्लेन है हमारे पास शहर की। उस पर हमने कार्रवाई की। क्या कंप्लेन करते थे आगे? कंप्लेन उन्होंने ये की है कि ये पहले दिन से हमारे कारोबार भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और आए दिन हमें कॉल करके हमसे पैसे वसूल करते, उतने हम कमा नहीं रहे जितने हम इनको दे रहे थे, तो इस वजह से फिर हमने इनको टीम बना के टेस्ट किया और इन्होंने इकरार किया। अच्छा, ये मुझे बताइए एसएचओ साहब के जहाँ पर आप बता रहे हैं कि अब्बास है भत्ताखोर आपके पास, बिलाल है भत्ताखोर आपके पास, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए हैं, क्या कहता है? जी, इनके ऊपर 7 से 8 FIRs हैं ऑलरेडी, पहले भी रिकॉर्ड इनका मौजूद है, और कुछ शहरियों ने मेरा अपना नाम ना बताने की वजह से मैं बताया कि हमारा नाम ना शेयर करें, हमारे साथ भी ये हो रहा है, लेकिन जब से गिरफ्तार किया उन्होंने सुख का सांस लिया, वो कहते बड़ी ईजी हो कि हम उनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हो सके वो करें ताकि हम सुख का सांस ले सकें, तो इंशाल्लाह कार्रवाई जारी है इनके खिलाफ। थैंक यू। डीएसपी जुल्फिकार अली मिरिया साहब जो कि बसीरपुर में तैनात हैं, इनसे हम जानते हैं भत्ताखोर लोगों को कैसे डराते थे। जुल्फिकार साहब, पुलिस के सामने कोई बदमाश नहीं है, पुलिस के सामने कोई भत्ताखोर नहीं है, पुलिस के सामने कोई मजलूम नहीं है, जिसने जो किया है पुलिस ने वो एडमिट करवाना है और सलाखों के पीछे देना है। जरा भत्ताखोरों की कारकर्दगी बता दें कि किस तरह लोगों को डराते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीजन के मुताबिक मैं 8 सितंबर को मेरी इधर पोस्टिंग हुई है, अफसरान बाला के अहकाम को हमने उनकी रोशनी में हमने ये काम शुरू किया है। ठीक है। ये मंडी अहमदाबाद थाना है हमारा, ये बॉर्डर एरिया है, बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही है। इधर कुछ दिन पहले सैलाब भी आया हुआ था। ठीक है। तो इधर पता चला मुझे भी, तो मैंने एसएचओ साहब को बताया कि ये कौन है अब्बास, अब्बास और उसका भाई है, 2-3 है, ये लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ टेलीफोन आते थे। फिर एक मदई खड़ा हो गया इनके आगे, तो मदई स्टैंड ही नहीं करता था कोई भी। दहशत की अलामत है ये लोग। तो शरीफ आदमी कोई भी जो है दुकानदार होते हैं, दुकानदारों से टेलीफोन करके उनको किसी को बंदे को भेज के उनसे पैसे, उतने लोग वो बेचारे कमाते नहीं है जितने पैसे ये छीन लेते हैं। ये हमारे एसएचओ साहब ने बड़ी मेहनत के साथ इनको पकड़ा है, अब्बास को और अब्बास के भाई को। ठीक है। तो बहुत लोगों ने सराहा है इसको, बड़े सुख का सांस लिया है। टेलीफोन आए हैं शुरफा के जी, बहुत अच्छी आते हुए इन्होंने बड़े अच्छा काम किया है, तो अल्लाह के फल से ये कामयाब हैं, दोनों बंदे पकड़े गए हैं। आप जो शरीफ आदमी है वो तो सामने नहीं आते, वो कहते हैं डरते हैं, आते हैं बात बताते हैं, कुछ सामने ये नहीं, FIR का मदई नहीं बनता, जो 2-4 मदई बने हैं वो पर्चे हमने दिए हैं इनके खिलाफ। ठीक है। और इनसे इंशाल्लाह रिमांड ले रहे हैं, रिमांड इन्होंने आज ले लिया है, इनकी गिरफ्तारी डाली है, सुबह ये रिमांड लेंगे, इनसे रिकवरी करेंगे, और जो शरीफ लोग हैं उनको उनके घर तक पहुँचाएंगे हम, पैसे वापस पहुँचाएंगे, और इनको ये कुफ्र किरदार तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कुफ्र किरदार तक पहुँचाएंगे। जुल्फिकार साहब, ये नेटवर्क है, ये गैंग है, कितने लोग हैं इसमें? ये असल में अवेयरनेस नहीं है ना, ये बॉर्डर एरिया है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बेचारे बस टेलीफोन कोई करे उसको, हाँ जी साई जी ले लो, पैसे दे देते हैं इनको। ठीक है। हाँ, तो बात भी नहीं करते कोई किसी से। ठीक है। ये तो 2-4 शरीफ आदमी, इन्होंने बात की हमारे अफसर ने बालदस बात की, उन्होंने कही ये ले रहे हैं, हमने कहा 2 दिन में इंशाल्लाह पकड़ेंगे इनको, क्यों नहीं पकड़ना, ऐसा जो मेरे रात को इनके रेट किया है, दोनों को पकड़ के अंदर सलाहों के पीछे बंद किया, आज इनकी गिरफ्तारी डाल के इनका रिमांड लिया गया। ठीक है। रिकवरी करके इंशाल्लाह सबको देंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम वो लोग, मेरा आज के प्रोग्राम के जरिए से ये मैसेज है कि तमाम वो लोग जिनको डराया जाता है, जिनको धमकाया जाता है, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और स्पेशली तौर पर भत्ता मांगा जाता है, उनको ये चाहिए कि वो पुलिस से रابطہ करें ताकि ऐसे लोगों को कटहरे में लाया जाए, सुलाखों के पीछे लाया जाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।